बड़ा प्यारा नाम है आपका, सवाल पूछिए सर। थैंक यू सर। मेरा आरबीएल के शेयर्स हैं, 2800 शेयर्स हैं, खरीद के भाव है 170 में, क्या उसको मैं एवरेज कर सकता हूँ इस रेट पे? क्यों रिजल्ट भी इसका अच्छा था, पता नहीं शेयर डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या है। थोड़े से ना ट्रस्ट वाले इश्यूज हो जाते हैं, जो थोड़े छोटे साइज के जब बैंक होते हैं और बैंकिंग का जब संकट गहराता है तो लोग क्या करते हैं कि जो सेफर बैंक्स होते हैं, जहां सुरक्षित ज्यादा होते हैं पैसे आपके, या फिर जहां पर साइज बड़ी होती है वहां पर लोग शिफ्ट करते हैं। इसके चलते ही थोड़ी सी ना रफ्तार पे कैप लगती है। आरबीएल बैंक, आरबीएल बंधन ऑलमोस्ट सिमिलर चाली दिखाते हैं इस पर। सनी आप ही व्यू दीजिए, आरबीएल बैंक 170 की खरीद है, 145 का भाव फिलहाल है, समय दें इसको, शेयर ऊपर जाएगा, भरोसा है आपको? आपने अभिषेक जी आपने बहुत सही कहा कि डेफिनेटली बैंक में रिलेटिवली जो सेफर बैंक है, बड़ी बैंक है, उसमें रहने में समझदारी रहेगी, क्योंकि बैंक एज अ बिजनेस इज अ बैलेंस शीट बिजनेस, और इसमें एक भी बड़ा अकाउंट एनपीए हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसका एक एडवर्स रिएक्शन स्टॉक प्राइस में देखते हैं। तो अगर अगर मैं आरबीएल बैंक में अगर सलाह देना चाहूंगा तो डेफिनेटली इसमें सेल ऑन राइज की ही सलाह रहेगी मेरी। और अगर टेक्निकल व्यू लेकर के इसमें कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो लेकर के अगर हम काम करें तो सेल ऑन राइज करके बेटर बेहतर बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, फॉर दैट मैटर फेडरल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो जो